मैं हूँ रशिया के फार ईस्ट रीजन में इन अ सिटी कॉल्ड व्लादिवोस्टोक एंड यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। मेरी ड्रीम ट्रेन जर्नी रही है ट्रांस साइबेरियन ट्रेन जर्नी, मेनली बिकॉज एंशियंट टाइम्स में इट वॉज पार्ट ऑफ द सिल्क रूट जहाँ ट्रेड चाइना से होते हुए रशिया में और रशिया से यूरोप में चला जाता था। द ट्रांस साइबेरियन रेल जर्नी दुनिया के सबसे लंबी ट्रेन जर्नी है जो जाती है मॉस्को से लेके व्लादिवोस्तोक एंड 7 टाइम जोन्स क्रॉस करके अबाउट 9,000 प्लस किलोमीटर्स की जर्नी होती है। अगर आप एक हाई स्पीड कंटिन्यूस ट्रेन लेते हो तो इस जर्नी को आप 7 डेज में कवर कर सकते हो। अगर रेगुलर स्पीड ट्रेन लेते हो तो 8 दिन लगेंगे विदाउट डिसएम्बार्किंग। लेकिन आई रिकमेंड कि अलोंग द वे बहुत सारी छोटे सिटीज़ आते हैं एंड मेजर सिटीज़ जहां आप हॉल्ट वगैरह लेके जा सकते हो, तो यू कैन इवन कवर इट इन 12 to 16 डेज। ट्रांस साइबेरियन रेल जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 870 स्टेशन क्रॉस करता है एंड इट ऑल्सो क्रॉसेज 87 मेजर सिटीज़, 3 कंट्रीज एंड 2 कॉन्टिनेंट्स। अलॉन्ग दिस रूट आपको दो और रूट्स मिल सकते हैं, विच इज़ वन इज़ ट्रांस मंचूरियन जो कि जाता है फ्रॉम मॉस्को टू बीजिंग इन चाइना, बट वो वाया मंगोलिया नहीं जाता, इट गोज़ वाया मंचूरिया। एंड द अदर वन इज़ ट्रांस मंगोलियन जो रूट है मॉस्को और बीजिंग के बीच में, बट इट गोज़ थ्रू मंगोलिया एंड देन हेड्स टूवर्ड्स बीजिंग। क्योंकि द रेगुलर ट्रांस साइबेरियन लाइन वॉज क्लोज टू द चाइना बॉर्डर, उन्होंने और एक लाइन बनाई विच इज़ कॉल्ड द बाइकल अमूर लाइन जो कि तैशत में शुरू होता है एंड इट गोज़ ऑल द वे ईस्ट। मैं एक सिटी में पहुंचने के बाद ही नेक्स्ट ट्रेन बुक कर रहा हूं, सो टोटली अनप्लान ट्रिप है, मुझे खुद पता नहीं कितने दिन मैं कौन सी सिटी में रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी। है अपनी ट्रेन टू मॉस्को जो कि खबरों से जाएगी, 1850 की है। तो आप जो ट्रांस साइबेरियन जर्नी है आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक, यहाँ तो व्लादिवोस्तोक से मॉस्को। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, दोनों भी आप कर सकते हो, दोनों भी ठीक है, लेकिन मैंने चूज़ किया कि पहले फ्लाई कर लूँ व्लादिवोस्तोक लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट में और रिटर्न आते आता जाऊँ तो डिस्टेंस भी मॉस्को से नज़दीक होता जाएगा, बिकॉज मैं एग्जिट मार रहा हूँ एंड में मॉस्को। ट्रांस साइबेरियन रूट में स्टेशन तो बहुत आते हैं, लेकिन जो मेन स्टेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। आप शुरू करोगे व्लादिवोस्तोक में खबरोस्क, फिर चीता आता है और फिर आता है इरकुट्स के बाद क्रास्नोयार्स्क, फिर नोवोसिबिर्स्क, येकतेरिनबर्ग और फिर मॉस्को। ये मेन स्टेशन है। आइटनरी मैं नीचे बता देता हूँ मैंने कैसे प्लान किया। तो यहाँ से व्लादिवोस्तोक, फिर खबरोस्क, फिर स्कोवर्दिनो है, यहाँ से आप याकुट्स जा सकते हो जो कोल्डेस्ट प्लेस है, फिर वहाँ से आई थिंक ये उलान उदय है जहाँ मैं जाने वाला हूँ, उलान उदय के बाद इरकुट्स, यहाँ पर है लेक बाइकाल और फिर क्रास्नोयार्स्क, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है नोवोसिबिर्स्क, उसके बाद आप ओम्स में भी रुक सकते हो और येकतेरिनबर्ग और फिर डायरेक्ट मॉस्को। क्योंकि मेरे पास लिमिटेड डेज है, एक्चुअली 30 डेज आर इनफ फॉर द ट्रांस साइबेरियन, लेकिन मैंने हाफ द टाइम मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और मुर्मुक्स में बिता दिया, तो मेरे पास रह गए सिर्फ 12, 13, 14 दिन टू डू दिस ट्रांस साइबेरियन। मैं शुरू कर रहा हूँ व्लादिवोस्तोक में और जितना होगा आई विल डू इट। हाफ वे पॉइंट इज अप्रॉक्सीमेटली नोवोसिबिर्स्क, वहाँ तक कर दिया तो अच्छा है, बट आई डोंट नो रियली एवरी डे। मतलब मैंने ये टिकट भी आज की परसों बुक की थी और अभी नेक्स्ट ट्रेन की तो मेरे पास टिकट भी नहीं है। मेरा नेक्स्ट स्टॉप है खबरोस्क, वहाँ पर मेरे कॉलीग्स हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है रहने के लिए। दे आर अ कपल, लड़की रशियन है एंड जो हस्बैंड है वो साउथ अफ्रीकन है, तो बहुत ही मज़ा आएगा, उनके साथ मैंने काम किया है। एक रीज़न ये भी था कि दे आर ऑन दिस साइड, तो फिर मैं करूँगा। ये जो मेरी फर्स्ट टिकट है फ्रॉम व्लादिवोस्तोक टू खबरोस्क, आई थिंक 1500 था स्लीपर का, नहीं तो ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अबाउट 700 किलोमीटर्स है, तो आप सिटिंग क्लास में भी जा सकते हो। शाम को 7 बजे निकलेगी, सुबह 8 बजे पहुंचेगी, परफेक्ट है क्योंकि नाइट ट्रेन है। अब बीच में बहुत सारे स्टेशंस हैं, जैसे काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है कि आप बिटवीन टू पॉइंट्स यानी मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक टिकट ले लो और बीच में कितनी बार भी स्टॉप कर लो, ये यहाँ पर अभी तक सिस्टम इन्होंने निकाला नहीं है। एक स्टॉप आप ले सकते हो कंडक्टर से बात करके, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको रशियन नहीं आता है तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। पॉइंट टू पॉइंट लेना है डेफिनेटली, आप एटलीस्ट 20-25 डेज तो आपको करना ही पड़ेगा प्लान, एंड डिपेंड्स कि आपको हर सिटी जो ऑन द वे आती है कितना दिन आपको रुकना है उस सिटी में।
कुछ सिटीज को 2 दिन चाहिए, कुछ को 3, कुछ को 1 दिन, 3 हफ्ते तो चाहिए बॉस मिनिमम। और मर्मंस वाली ट्रेन तो एकदम अच्छी वाली ट्रेन थी, यहाँ पर बहुत सारी लोकल टाइप ट्रेन मिलेगी। यहाँ पर जब मैंने 2 दिन पहले बुक किया तो लोअर और अपर का प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, फ़र्क क्या सेम ही था, तो मैंने तो ऑब्वियसली लोअर वाला ले लिया। और मैं नॉर्मली एम्प्टी चेयर कार लेने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रेन वैसे तो मॉस्को जा रही है एंड काफ़ी लोग बीच में चढ़ेंगे उतरेंगे चढ़ेंगे उतरेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रियली लोकल लोग मिलेंगे। देखते हैं, अभी चेक इन कर लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी आ गया इधर, आधे घंटे पहले बोर्डिंग चालू होती है। मुझे ये एटमॉस्फेयर सोक इन करना था। स्मेल भी बहुत ट्रेन वाली आ रही है, आई लाइक ट्रेन जर्नीस। है ये बहुत ही एपिक जर्नी होने वाली है, इट इज़ लाइक बीइंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हालांकि है कुछ नहीं, बहुत सारे घंटे ट्रेन में है, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम ये ट्रांस साइबेरियन रूट वॉज लाइक द सिल्क रूट। और यहाँ पर एक बार मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया तो वापस जाने के लिए वो लोग वापस सिक्योरिटी में मेरा बैग डालेंगे, तो सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी यहाँ पर उनके सिस्टम्स ठीक है। 10-15 मिनट में बोर्डिंग चालू कर देंगे लोग। 6:50 का मेरा ट्रेन है शाम का, 6:20 तक दे विल स्टार्ट द बोर्डिंग। फ्यू मोमेंट्स लेटर, पासपोर्ट भी चेक कर लिया, मुझे लगा वापस कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्या अपने साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होते ही रहता है। अपना कार नंबर 9 है और यहाँ का टेम्परेचर अभी 29 डिग्री से अंदर, चलो अच्छा है। सामने 49 अपना सीट है भाई, ऊपर वाला कितना ऊपर है भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर है। सबको बोरिया बिस्तर दिया हुआ है। एक्चुअली मुझे ये इंडियन ट्रेन्स के जो थर्ड क्लास है उसके जैसे ही लगा, सिर्फ विंडो आप खोल नहीं सकते हो, बाकी ये बहुत नॉर्मल बेसिक कोच ही है। और एक फ़र्क है कि ऊपर इनके खाली लगेज रखने के लिए है और 2 बेड्स है, 1 और 2, 3 वाला है कि नहीं इनके पास आई डोंट नो, पर ये फ़र्क है। अपने लगेज वाला एक्सक्लूसिव नहीं रहता है, 3रा बेड आ जाता है, यहाँ पर 2 ही बेड्स है। बाकी ये ऊपर वाला काफ़ी ऊपर है, शायद नीचे आता होगा, देखना पड़ेगा बाद में। नीचे वाली सीट्स का ये सिस्टम अच्छा है कि ये ऊपर नीचे हो जाता है, लगेज अंदर डालने में और निकालने में बहुत ईजी हो जाता है। ये वाला जो बेड है मेरे को लगता है विड्थ में मेरे वाले से थोड़ा बड़ा ही है, मुझे लगता है ये टेबल भी फोल्ड हो जाएगा और बेड बन जाएगा। ये अपना टावल और बेडिंग दिया हुआ है और इसका सिस्टम मैंने देख लिया ऐसा है। और ऐसा हो जाता है, तो सामने गद्दा है और ब्लैंकेट है। Trust in me, together we can make it, one love with faith, Unigo. Unigo. Oh, bhai saab, barf dekho, kya thandi hogi bhai. बस अभी पहुंच ही गए हैं खबरोस्क 1 स्टेशन आ रहा है। 3 चीज़ें करनी है, सबसे पहले तो इंटरनेट फिक्स करना है मेरे फ़ोन का। ट्रांस साइबेरियन जर्नी शुरू हुई है और अगर मुझे सक्सेसफुली ख़त्म करनी है तो इंटरनेट तो लगेगा क्योंकि ट्रेन वगैरह में तो रहता नहीं है। सेकंड, मैं देखता हूँ लॉन्ड्री वगैरह कर दूंगा। और कल मेरी ट्रेन या तो मैं सुबह 8 बजे वाली लूँगा या 2 बजे वाली लूँगा, वो अभी मैंने बुक ही नहीं किया बॉस। बहुत कट टू कट चल रहा हूँ मैं। चलो भाई साहब, कड़कती ठंडी है और तेरी माँ का अभी गिरने वाला था स्लिप होके, क्या बात है यार, स्नो है, स्नो साइबेरिया में पहुँच गए। आए, आए। कौन सी तरफ जाना है, पूरी जो बर्फ है वो आँख में जा रही है, खतरनाक। ग्लव्स भी पहन लिया, मास्क भी पहन लिया बॉस, अभी तो मैं गिरने वाला था इसके ऊपर। स्लिपरी है काफ़ी स्नो, क्योंकि फ्रेश स्नो है ना तो स्लिपरी है। अभी ट्रेन से निकला हूँ, ठंड लग नहीं रही है, मतलब लग रही है लेकिन 2 मिनट में बैंड बजेगी। चलो बॉस, अपने फ्रेंड्स लोग तो आए हैं। Oh,
I recognize you, my friend. So meet Keaton. This is Keaton from Russia, and this is Victoria from South Africa. Hug. How are you doing, man? Man, if you guys were not here, I was probably not coming in this part of the world. Welcome to Khabarovsk 1. This is Khabarovsk 1. If you just Khabarovsk. Khabarovsk. Okay, I don't know why over there on the map is 1. Alright guys, we are in China. Nearly. Because China is somewhere there.